सकते हैं। शिवा शेट्टी हमारे साथ अगले दर्शक है, कर्नाटका से मौजूद है। शेट्टी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। सर मेरे पास 60 शेयर से IRCTC के 845 पर परचेजिंग है सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी आगे क्या होगा उसका? या आपने एडजस्टमेंट के बाद खरीदारी की थी या पहले? सर एक्चुअली 911 पे मेरा 8 शेयर थे, उसके बाद फिर 840 पे कुछ खरीदे किया और उसके बाद 803 या 806 पे थोड़ा किया, तो अभी मेरा एवरेज बाइंग प्राइजेस है 845 रुपीज। ओके। जैन साहब इनके पास IRCTC के करीब करीब 60 शेयर हैं, 845 पे खरीदारी है, 30 से 31 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करना चाहिए? मोमेंटम में निकल जाए, बने रहे, क्या करें? जब ये 10:2 का स्प्लिट आया था स्टॉक में, उसके पहले की मूव अगर देखे तो बहुत ही शॉर्ट समय में ये स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए थे। आई थिंक कहीं ना कहीं वो उसके बाद का जो फेज आया है वो अब टाइम वाइज करेक्शन में गया है। स्टॉक मोर एक कंसोलिडेशन फेज में, प्राइस वाइज ज्यादा करेक्शन नहीं हो रहा है, बट ज्यादा साइडवाइज हो गया स्टॉक। 750 रुपए के काफी अच्छे सपोर्ट है स्टॉक में, तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। यस, आपको समय जरूर ये स्टॉक में थोड़ा ज्यादा रखना होगा, बिकॉज ये टाइम वाइज करेक्शन कब पूरा होगा ये बताना मुश्किल है। तो फिलहाल आप 750 का स्टॉप लॉस रखें और अपने पोजीशंस में होल्ड करें। एक बार ये टाइम करेक्शन पूरा होने के बाद स्टॉक में फिर से मोमेंटम आता है ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ अगर, तो ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में दे सकता है। ओके, बने रहें, ज्यादा बेटर है ये, और 750 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा शेट्टी साहब, उसको आप जरूर मेंटेन रखिएगा।